हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सुनील ट्यूटोरियल और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस से सिंपल ग्लोइंग टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, वो भी फिल्मोरा के अंदर। टेक्स्ट की जगह आप इमेज भी यूज कर सकते हो या कोई शेप भी यूज कर सकते हो। अगर आप फिल्मोरा 9 या फिल्मोरा 10 यूज कर रहे हो तो उसमें आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बहुत ही कम समय में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस से ग्लोइंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्लोइंग टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टाइटल्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर डिफॉल्ट टाइल यूज कर रहा हूँ, मैं इसे टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना होगा, एडवांस एडिट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इसे डिलीट कर देना होगा। अगर आप किसी और प्रकार का टाइटल यूज कर रहे हो तो आप इसे डिलीट कर दे सकते हो यहाँ से, और एक नया टेक्स्ट या नया शेप ऐड कर सकते हो। तो आप शेप पर भी ये ट्राई कर सकते हो, बट मैं अभी टेक्स्ट पर ही आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट में ऐड कर देता हूँ सुनील ट्यूटोरियल। उसके बाद आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप यहाँ से उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो, आप उसे बोल्ड कर सकते हो, अनबोल्ड, इटैलिक, ये सभी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट बॉर्डर और टेक्स्ट शैडो को डिसेबल कर देना है अभी। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए। अगर अभी आप यहाँ से इफेक्ट्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा ग्लो। उसके बाद आपको इसे यहाँ पर टाइमलाइन में ऐड करना होगा। अगर भी आप इसे टाइमलाइन में ऐड करते हो तो इसका कोई भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इस ग्लो इफेक्ट को किसी भी प्रीसेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम उसके लिए इसे डिलीट कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेंगे। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+S, जिसे आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इस डिफॉल्ट टाइटल को डिलीट कर देना होगा और इसे इस तरीके से टाइमलाइन में ऐड कर दीजिए। आपको इसे सेकेंड वीडियो लेयर पर ऐड करना होगा। आप चाहो तो फर्स्ट पर भी ऐड कर सकते हो, बट हम किसी वीडियो के अंदर ही इसे यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने इसे सेकेंड लेयर यूज़ किया। उसके बाद सिंपल कलर में चलते हैं और यहाँ से वाइट बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए, वाइट थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं दिखेगा तो हम इसे ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद आपको इफेक्ट्स में जाना होगा और यहाँ से इस ग्लो को इसके ऊपर ऐड कर देना होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ग्लो इस इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, बट आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो खुद के अकॉर्डिंग भी। उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप इसके रेडियस को इंक्रीज कर सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो इसे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये हमारा ग्लोइंग टेक्स्ट जिसे हमने क्रिएट कर दिया है, बट अगर आपको इसे शेप के साथ भी करना है तो टाइटल्स को ऐड कीजिए, एडवांस पर यहाँ से क्लिक कर सकते हो, जिस पर राइट क्लिक करके एडवांस एडिट पर चले जाइए। इसे डिलीट कर देते हैं, एक नया शेप ऐड करते हैं। इसके टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे हम। ये रहा हमारा शेप, फिल्टर में ये रहा, ओके, कैंसिल, ओके। अब यहाँ पर इसे ओके कर दीजिए और आपको इसे एज ए स्क्रीनशॉट सेव करना होगा। इसे डिलीट कीजिए, इसे टाइमलाइन में ले आइए, कंपल कलर में जाकर इसे ब्लैक बैकग्राउंड, उसके इफेक्ट के अंदर जाकर इसे फिर से ऐड कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका ये येलो जो शेप था उसमें भी इफेक्ट ऐड हो चुका है। देखिए, हमारा ग्लो इफेक्ट ऐड करने पर कैसा इसका कलर भी चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसमें। इस तरीके से आप एज ए लाइट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप इसे किसी इमेज पे भी यूज़ कर सकते हो, अगर PNG इमेज है तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। उसके लिए मीडिया में जाइए, अपना जहाँ पर भी आपने इमेज सेव कर रखा हो
उसे टाइमलाइन में ले आइए, उस पर एक ब्लैक स्क्रीन। एक्चुअली आप इसे किसी भी स्क्रीन के साथ कर सकते हो, बट ब्लैक में ये आपको और भी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम इसमें ब्लैक ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे ग्लो। अब देखिए, अभी मैं इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाए। ये देखिए हमारा इसमें भी ग्लो ऐड हो चुका है। आप इसके रेडियस को इंक्रीज कर सकते हो, बट जैसा कि मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप इन सभी में एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, जैसा कि आपने देखा होगा शुरू में मैंने इसमें एनिमेशन ऐड करके आपको दिखाया था। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए, ये तो हमारा कोई टेक्स्ट नहीं है जिसके अंदर हम टेक्स्ट इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इमेज है तो हम इसमें इमेज इफेक्ट ऐड करेंगे। इसके लिए इस पर डबल क्लिक कीजिए, एनिमेशन में जाइए। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एनिमेशन है जो कि लेटेस्ट है, बट यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप पुराना वाला इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको फिल्मोरा 9 में देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं इसे इफेक्ट बोल रहा हूँ, बट ये एनिमेशन है। जैसा आपको एनिमेशन चाहिए तो यहाँ पर देखना, जूम आउट टू राइट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम इसे प्ले करके चेक कर लेते हैं। देखिए इसके साथ साथ आपका ग्लो भी एनिमेट करेगा जैसा कि आपने देखा। अब हम इसमें कस्टम एनिमेशन ऐड करेंगे इस शेप में। इसके लिए कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे और इस शेप को हम इस स्क्रीन से बाहर कर देंगे। उसके बाद इसके लास्ट पार्ट में आएंगे और इस शेप को हम कुछ इस तरीके से इस स्क्रीन से बाहर कर देंगे। ये आप चाहो तो इसे स्क्रीन के अंदर भी रख सकते हो, बट मैं इसे बाहर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसे अंदर रहने देते हैं। उसके बाद आप इसे प्ले करके चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये आप कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो इसके स्केल में, रोटेशन में, पोजिशन में, सब में एनिमेशन ऐड कर सकते हो। और ये रहा हमारा इमेज जो कि हमने अपने मीडिया से लिया था, तो हम इसमें एनिमेशन ऐड करेंगे। सेम आप इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें स्केल एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो इधर मैं इसको, यहाँ पर मैं इसको 110 कर देता हूँ। उसका थोड़ा सा आगे जाता हूँ और इसे 90, इसे मैं 80 कर देता हूँ एक्चुअली। उसके बाद मैं इसे 100 कर देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं और इसके पोजीशन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो हम इसे इस तरीके से कर देते हैं लेफ्ट की ओर, और आप चाहो तो इसके स्केल को भी कम कर सकते हो, बट मैं थोड़ी देर के बाद इसके स्केल को कम कर देता हूँ 80, 70। एक्चुअली मैं यहाँ से 55 कर देता हूँ। उस वजह से पहले वाले एनिमेशन में जस्ट हो गया हमारा। अब आप इसे प्ले करके चेक कर सकते हो। ये देखिए, ये आपको बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि हमने इसे क्रिएट किया है। तो कुछ इस तरीके से आप ग्लोइंग इफेक्ट ऐड कर सकते हो अपने किसी भी टेक्स्ट शेप इमेज पे, वो भी फिल्मोरा के अंदर, चाहे आप फिल्मोरा 9 या फिल्मोरा 10 यूज़ कर रहे हो। ये ट्रिक आप सभी में यूज़ कर सकते हो। जिनके पास कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन नहीं है, वो आप प्रीसेट्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको एनिमेटेड प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और आप मुझे सभी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। और आप मेरी वेबसाइट techsolutionpro.blogspot.com पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर मैं अमेजिंग आर्टिकल डालता रहता हूँ। और ऐसे दूसरी बार मुझे गूगल ने एड्स देने से रिजेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दीजिए, मुझे भी एड्स मिल जाएगा और मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।